अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 4 लेक्चर किए थे 7 क्लास मैथमेटिक्स के। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि टू सेट्स का डिफरेंस किस तरह लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 10 के ऊपर टेक्स्ट बुक की दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको सेट्स दिए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज है 1.3 क्लास 7, आपको सेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू A B C सो ऑन I। अब ए बी सी सो ऑन आई का क्या मतलब है? सी के बाद डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है और आई है। उसके बाद एक नेक्स्ट सेट आपको दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू ए सी ई जी एंड आई, वाई इज इक्वल टू ए ई एंड आई, एंड जेड इज इक्वल टू ए जी एंड एच। देन वेरीफाई या देन फाइंड नंबर 1 एक्स कॉम्प्लीमेंट, नंबर 2 वाई कॉम्प्लीमेंट, नंबर 3 जेड कॉम्प्लीमेंट, नंबर 4 यू कॉम्प्लीमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि आप बताएं कि एक्स कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। मैंने पढ़ा हुआ है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू में से डिफरेंस कर दे एक्स। एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस एक्स। सो यू की जगह पर हम यू का सेट लिख लेते हैं। यू किसके इक्वल है? एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू डिफरेंस एस। यू इज इक्वल टू ए बी सी सो ऑन एंड आई। डिफरेंस हम लेते हैं किसके साथ? ये डिफरेंस का साइन है एक्स के साथ। तो एक्स किसके इक्वल है? ए सी ई जी आई। अब जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, अब देखें यहाँ पे हम डिफरेंस में क्या करते हैं, पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। अब ए देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है, सेकंड सेट में है, बी इधर है लेकिन इधर नहीं है सेकंड सेट में, तो लिहाजा हमारे पास बी आ जाएगा। सी इधर भी है, इधर भी है। अब इस सेट के अंदर डी है लेकिन इसमें डी नहीं है, इधर ई है, इधर भी ई है, इधर एफ है लेकिन इधर नहीं है, ए बी सी। अब यहाँ पे ए था नहीं लिखा, बी इधर था लेकिन इधर नहीं था लिख लिया, सी अब देखे इधर भी है, इधर भी है, लिख नहीं लिखा, डी इधर है लेकिन फर्स्ट सेट में तो है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, लिहाजा हम डी लिख लेंगे। अब ई फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड सेट में भी है, एफ फर्स्ट सेट में था लेकिन सेकंड में नहीं था, जी इधर है, इधर भी है, अब एच इधर है लेकिन इधर नहीं है, अब आई फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड सेट में भी है, लिहाजा हमारे सेट क्या होगा? आंसर एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी डी एफ एच। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेट जो है, सेकंड जो हमने फाइंड करना है वो है वाई कॉम्प्लीमेंट। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। थर्ड अगर देखें उसमें आपको दिया गया है जेड कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट मैं आपको फोर्थ पार्ट दिखाता हूँ, फोर्थ पार्ट को हमने क्या फाइंड करना है। फोर्थ में हमने फाइंड करना है यू कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट जो है, आपने पढ़ा हुआ है यू कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू डिफरेंस यू। तो यू कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस यू, यू की जगह पे यू का सेट लिखेंगे। यू किसके इक्वल है? ए बी सी एंड सो ऑन आई, उसका हम डिफरेंस लेंगे ए बी। अब देखिए यू कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू डिफरेंस वी, यू की जगह पे यू का सेट लिखा, डिफरेंस की जगह पे डिफरेंस का साइन, यू की जगह पे यू का साइन, यू का नंबर सेट सी एंड सो ऑन आई।
अब यहाँ इन दोनों सेट में देखें तो यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए इधर भी है, इधर भी है, बी इधर, इधर भी, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स ए में पहले सेट में मौजूद नहीं है जो दूसरे सेट में ना हो। तो जो पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स हैं वही दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं, हम यू डिफरेंस यू फाइंड करने लगे, लिहाजा हमारा सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। इस सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे में ना पाया जाए, फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सेकंड सेट में भी वही एलिमेंट है, लिहाजा इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें आपको सेट्स दिए गए हैं यू इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 20, ए इज इक्वल टू 1, 3, 5 सो ऑन 19। अब ये 1, 3, 5 सो ऑन 19 का क्या मतलब है, 5 के पास 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 15 भी है, हर नंबर में 2 का डिफरेंस, जिस तरह पहले नंबर में 2 का डिफरेंस, इससे 2 का डिफरेंस, अब 5 के बाद डॉट का ये शो करता है कि 2 के डिफरेंस के लिहाज से नंबर 19 तक जाएंगे। बी इज इक्वल टू 2, 4, 6 सो ऑन एंड 20, देन प्रूव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, हमें ये प्रूव करना है कि बी का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है। सेकेंड, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी, एंड थर्ड, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए, एंड फोर्थ वन इज बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फर्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, हम फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, बी कॉम्प्लीमेंट के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, बी कॉम्प्लीमेंट के, ये हमने मालूम करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस बी, सो यू डिफरेंस बी, यू की जगह पे यू का सेट लिखते हैं, यू किसके इक्वल है 1, 2, 3 सो ऑन 20, डिफरेंस की जगह पे डिफरेंस का साइन आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, बी किसके इक्वल है, अब बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना था तो वो इक्वल होता है यू डिफरेंस बी, तो यू की जगह पे यू का साइन आ गया, डिफरेंस की जगह पे डिफरेंस और बी की जगह पे बी का सेट आ जाएगा, तो वो क्या है 2, 4, 6 सो ऑन एंड 20। अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करें, फर्स्ट सेट में 1 है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है 1, 2 इधर है इधर भी है, 3 फर्स्ट सेट में है नहीं है सेकंड सेट में तो थे 3, अब 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 4 फर्स्ट सेट में मौजूद है सेकंड में भी मौजूद है। अब देखिए ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, सॉरी, ये 1 से लेकर 20 तक हमारे पास तरतीब में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं लेकिन ये इवन नंबर्स हैं, 1 इधर है इधर नहीं है लिख लिया, 2 इधर था नहीं लिखा, 3 इधर है इधर नहीं है लिख लिया, अब देखिए 4 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है लेकिन 5 फर्स्ट सेट में है सेकंड सेट में नहीं है, 7 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, 9 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, सो 9 के बाद ये कहाँ तक जाएगा, 19 तक, तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो किसके इक्वल आया है 1, 3, 5, 7, 9, 19 तक, लेकिन अगला यहाँ से देखें तो ये कौन सा सेट है 1, 3, 5, 7, 19, तो ये देखें 1, 3, 5 सो ऑन 19, तो ये सेट और ये सेट आपस में बराबर है, तो लिहाजा बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया, ये वाला सेट जो है ये इक्वल है ए के, लिहाजा सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से अगर आप देखें सेकंड पार्ट है, आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट,
इज इक्वल टू बी के, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट देखें, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए के। तो अब मैं थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारे पास मौजूद है, ये और लेफ्ट हैंड साइड है और ये दाएं साइड पे राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है ए डिफरेंस बी, तो ए की जगह पे ए का सेट लिखते हैं। ए का सेट किसके इक्वल है, हमें दिया गया है 1, 3, 5, so on, 19। डिफरेंस की जगह पे डिफरेंस का साइन आएगा। और बी किसके इक्वल है, 2, 4, 6 and so on 20। अब यहाँ से देखें, 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिख लेंगे। 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिख लेंगे। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिख लेंगे। 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, लिख लेंगे। तो ये सारा सेट यहाँ तक आ जाएगा 19 तक। अब ए डिफरेंस बी जो है वो किसके इक्वल है, 1, 3, 5, 7, 9 और 19। अब यहाँ से देखें, ये हमें सेट दिया गया था ए, तो वो क्या है, 1, 3, 5। हमारा जो ये आंसर आया है ये वाला, ये सेट ए के इक्वल है, क्योंकि ये सेट ए है 1, 3, 5, 7, 9, so on, 19। तो लिहाजा ये वाला सेट जो है ये किसके इक्वल है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए के इक्वल है। ये हमारा प्रूफ हो गया। सो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने फाइंड करना है बी डिफरेंस ए जो है वो इक्वल है बी के, ये आपका होमवर्क है। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन रह गया वो करेंगे, 2 रह गए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।